हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोने। आज के इस वीडियो के अंदर हम आरओडीसी मतलब रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर को डिप्लॉय करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि डोमेन कंट्रोलर मतलब आरओडीसी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। इसे समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिनेरियो डिज़ाइन किया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे ये मेरी एक्चुअल साइड है जहाँ पे हमारे प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और बैकअप डोमेन कंट्रोलर लाइज करते हैं। ऑफकोर्स इस नेटवर्क के अंदर कुछ कंप्यूटर्स भी रहेंगे, कुछ यूजर्स भी रहेंगे। मतलब यहाँ पे मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा लार्जर डिप्लॉयमेंट है जिसके अंदर यूज होने वाले कंप्यूटर्स में भी 1000 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं, एम्प्लॉयज की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। ओके, नाउ इमेजिन करो सिचुएशन कि मेरे इस कंपनी ने क्रिप्टो डॉट लोकल ने एक रिमोट लोकेशन पे अपनी सब साइड ओपन की। ओके, वो साइड है आपकी अंधेरी। अब इस अंधेरी लोकेशन पे हमें क्या करना है, एक डोमेन कंट्रोलर चाहिए। ऑफ कोर्स फिजिकल सर्वर तो आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस डोमेन के अंदर या यू कहे इस रिमोट साइट के अंदर काम करने वाले कुछ ही कंप्यूटर से या यू कहे कुछ ही यूजर से, तकरीबन मान लो 25 या 20। ओके, सो 20 से 25 के बीच में कुछ कंप्यूटर्स और कुछ यूजर्स वहाँ पे हमने रखे हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि अगर वहाँ पे हम फुल्ली फंक्शन डोमेन कंट्रोलर रखते हैं तो हमें उसे ऑपरेट करने के लिए एक 24/7 डेडिकेटेड डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। मतलब मशीन तो कोई बात नहीं, मशीन तो ऑरेंज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक आपको एक एम्प्लॉय हायर करना पड़ेगा जो डोमेन कंट्रोलर की तरह वहाँ पे काम करे। कहाँ पे, उस रिमोट लोकेशन पे। ओके, हमारे केस में अंधेरी लोकेशन है। अब देखा जाए तो मेरी कंपनी फिलहाल लो बजट पे काम कर रही है क्योंकि जस्ट बिगिनिंग है, और एक ही नेटवर्क के लिए दो या दो से ज़्यादा डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करना मेरे लिए शुरू में पॉसिबल नहीं है। तो मुझे कुछ ऐसा सोल्यूशन चाहिए कि मैं अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे बैठे बैठे मतलब कि अपने मेन लोकेशन पे बैठे बैठे इन सभी रिमोट कंप्यूटर्स को मैनेज कर सकूँ। तो इसके लिए एक माइक्रोसॉफ्ट ने टर्म निकाला है, आरओडीसी, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। अब इस रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के अंदर होगा क्या, आपको अपने रिमोट साइट पे एक डोमेन कंट्रोलर इंप्लीमेंट करना है। वो आपके जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर से उस लोकेशन पे उनके पासवर्ड वो लोकली कैश कर लेगा। क्लियर? और हालांकि उसे रीड ओनली कहा गया है, मतलब उसका सिर्फ काम रहेगा अपने क्लाइंट्स को मतलब रिमोट लोकेशन के क्लाइंट को ऑथेंटिकेशन देना और उनके बीच में काम करवाना। जो कुछ भी मैनेजमेंट आपको उस डोमेन कंट्रोलर के साथ या उस रिमोट लोकेशन के साथ करना पड़ेगा ना, वो आप अपने प्राइमरी सर्वर पे बैठे बैठे कर सकते हो। सिंपल, आप अपने मेन ऑफिस में बैठे बैठे उस रिमोट सर्वर को मैनेज कर सकते हो, वो भी आरओडीसी के फॉर्म में, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर के फॉर्म में। अब इस सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए हमें प्रैक्टिकल तो करना ही है, लेकिन वन मोर थिंग। अब मान लो कि मेरे इस आरओडीसी सर्वर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, या यू कहो मुझे उस मशीन को मैन्युअली रिबूट करना है। अब होगा क्या, आरओडीसी कंप्यूटर को आप डायरेक्टली रिबूट नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस अगर आपके पास डोमेन अकाउंट है। अब इस केस में होगा क्या, मुझे वहाँ पे कोई भी एक एम्प्लॉय को मेरे डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड देना पड़ेगा ताकि वो बंदा उस मशीन को शट डाउन या रिस्टार्ट कर सके। उप्स, ये रिस्की है। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इस लोकेशन पे काम करने वाले किसी भी एक बंदे को, यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे टीम लीडर की, उस टीम लीडर को हम इस डोमेन कंट्रोलर मतलब आरओडीसी को रिस्टार्ट और शटडाउन करने की परमिशन देने वाले हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इज दैट क्लियर? और ये मेरी रिमोट लोकेशन और मेरा मेन सर्वर, ये दोनों ही आईएसपी के थ्रू मतलब इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ओके, देन इस आरओडीसी का जो हमें नाम रखना है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, MUM SRV 0T ROTC, जिसका आईपी एड्रेस रहने वाला है 192.168.1.113/24, और ये रही बाकी की इंफॉर्मेशन। इज दैट क्लियर? तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गुजारते हुए हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले अपने बैकअप डोमेन कंट्रोलर को ऑन करना पड़ेगा। यस, मेरे केस में बैकअप डोमेन कंट्रोलर ऑन है और प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर भी मेरा ऑन ही है। देन हम जाएंगे अपने आरओडीसी रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर की तरफ। लास्ट टाइम पे मैंने इसे डोमेन में ज्वाइन करवाया था और इसके ऊपर आईपी क्या है वो चेक करेंगे सबसे पहले। तो फिलहाल ये मशीन दिखा रही है MUM SRV 0T ROTC,
और ये रहा उसका आईपी 103, जबकि हमारे केस में आईपी चाहिए 113। चाहे तो आप इस सिनेरियो को फिर से देख लीजिए, अब ज़रूरी नहीं कि आपको यही आईपी रखना है, ओके। लेकिन आप जिस तरह से भी आपने नेटवर्क के आईपी मैनेज करोगे, आपको वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखना ही पड़ेगा, या कहीं तो भी आप ड्रॉ करके रख दीजिए। फिलहाल के लिए मुझे इस मशीन का आईपी चेंज करना है, तो हम क्विकली नेटवर्क एरिया कनेक्शन पे जाएंगे, राइट क्लिक इसके प्रॉपर्टी में, और यहाँ पे हम आईपी चेंज करेंगे V4 के टर्म में, और ये रहा हमारा IP1। देन अल्टरनेट डीएनएस सर्वर, अल्टरनेट डीएनएस सर्वर कौन काम करने वाला है? हमारा ये बैकअप डोमेन कंट्रोलर, मतलब प्राइमरी से अगर कांटेक्ट ना हो तो अल्टरनेट से वो कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले ले। ओके, एक बार इसे रिफ्रेश करेंगे ताकि वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाए, और जैसे यहाँ पे मेरा 113 आ गया तो हम अपने प्रैक्टिकल को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले टूल्स के अंदर जाना है, यहाँ पे किसी भी तरह का एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड कोई कंपोनेंट नज़र नहीं आ रहा है। हम इससे अगर डोमेन कंट्रोलर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे रोल ऐड करना पड़ेगा, और वो रोल है एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। तो आपको क्विकली नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और आना है आपके रोल की तरफ, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन, देन क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट। काफ़ी टफ वर्क है आपको, रिस्टार्ट इफ रिक्वायर्ड एंड इंस्टॉल। ओके, टफ वर्क इसलिए कहा क्योंकि आपको काफ़ी बार यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर या माउस के थ्रू नेक्स्ट नेक्स्ट करना पड़ता है। ओके, सो जब तक ये एक्टिव डायरेक्टरी के रोल्स इंस्टॉल कर रहा है, तब तक हम अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर की तरफ आ जाएंगे। ओके, तो ये रहा मेरा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पे मुझे जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर की तरफ। ओके, सो एज यू रिमेम्बर, हमने लास्ट टाइम पे यहाँ पे कुछ यूजर्स बनाए थे, जैसे MVM user 1, user 2, user 3, user 4, और कंप्यूटर की तरफ हम देखेंगे तो यहाँ पे PC1, PC2 हमारे डोमेन जन कंप्यूटर्स थे, RODC ये हमारा एज एन क्लाइंट कंप्यूटर की तरह ट्रीट कर रहा है अब तक। जैसे उसे हम डिप्लॉय कर देंगे तो उसकी एंट्री डोमेन कंट्रोलर के OU में आ जाएगी इस जगह पे, जिस तरह से हमारे BDC की आई थी ना, इन अ सेम वे। फिलहाल के लिए यहाँ पे हम यूजर की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो चार यूजर, मैं चाहता हूँ इन चारों यूजर को मैं पासवर्ड रिप्लिकेट कराऊँ मेरे RODC की तरफ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उनको एक तरह के ग्रुप के अंदर डालना है, और उस ग्रुप का नाम है अलाउ RODC पासवर्ड रिप्लिकेशन ग्रुप, ये नजर आ रहा है, और ये डिनाई RODC पासवर्ड रिप्लिकेशन ग्रुप। अब नाम में ये काफी चीजें आपको क्लियर करवा रही है। अगर मैं अलाउ RODC पासवर्ड रिप्लिकेशन ग्रुप के डिस्क्रिप्शन पैनल पे जाऊं तो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कैन हैव परमिशन टू रिप्लिकेट देयर ऑल RODC। रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर इंफॉर्मेशन, डोमेन कंट्रोलर। ओके, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कुछ यूजर्स डालते हो तो उसके पासवर्ड आपके RODC की तरफ रिप्लिकेट होंगे। अगर मैं डिनाई पे करूँ तो क्या होगा, अगर इस ग्रुप का कोई भी मेंबर होगा उसका पासवर्ड RODC पे रिप्लिकेट नहीं होगा। और रिप्लिकेट कराने की जरूरत क्यों है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे RODC डोमेन कंट्रोलर के थ्रू वहां पे लॉग इन होने वाले यूजर्स का ऑथेंटिकेशन किया जाए, नहीं तो क्या होगा, वो सर्वर कांटेक्ट करेगा प्राइमरी की तरफ और प्राइमरी उसे ऑथेंटिकेट देगा। अगर आपकी नेट की स्पीड अच्छी है तो कोई बात नहीं, अगर नेट की स्पीड स्लो है तो आप चाहते लोकली उसे ऑथेंटिकेट करवाया जाए। इसलिए इस RODC डोमेन कंट्रोलर पे आपके पासवर्ड रिप्लिकेट होना जरूरी है, दैट्स द कंडीशन। ओके, तो क्विकली हम क्या करेंगे, ये जितने भी यूजर्स है इन सभी यूजर्स को मैं RODC के अंदर इंक्लूड करने वाला हूँ। अब इसे ऐड करने की दो मेथड है। सबसे पहले आप किसी भी यूजर पे जाइए
उसकी प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ पे आपको मेंबर ऑफ नजर आ रहा है, मेंबर ऑफ टैब पे क्लिक करना है, ऐड, ओके, एडवांस, यहाँ पे फाइंड नाउ, और ये रहा आपका आरओडीसी, रिमोट डेस्कटॉप आरओडीसी, अलाउ आरओडीसी पासवर्ड एप्लीकेशन ग्रुप, ग्रुप को सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ओके। तो ये तो होगी एक मेथड, यूजर के प्रॉपर्टी में जाके चेंज करवाना। दूसरी मेथड क्या है, डायरेक्टली आप ग्रुप पे जा सकते हो, और लास्ट टाइम पे मैंने बताया था कि यूजर्स और ग्रुप में डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपका ये सिंगल फेस नजर आ रहा है, इसका मतलब वो यूजर है, अगर ये डबल फेस वाला आइकॉन आ जाए, समझ जाना वो ग्रुप है, ओके। सो दूसरी मेथड क्या है, स्पेसिफिकली ग्रुप पे जाइए, राइट क्लिक उसके प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में आने के बाद ये मेंबर्स, तो मुझे बता रहा कि MUM01 इसका मेंबर है। अब मुझे उसे और एक मेंबर ऐड करना है, सो ऐड पे जाएंगे, एडवांस, सेम वे, अगर यहाँ आपको फिर से यहाँ पे फाइंड पे क्लिक करना है, और इस केस में हमारे जितने भी यूजर्स है MUM वाले, उसे हम सिलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ओके। तो एट ए टाइम पे ये सभी के सभी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो दोनों मेथड से आप अपने मेंबर्स के अंदर यूजर्स ऐड कर सकते हो। या तक क्लियर, देन मिनिमाइज। तो देख लेते हैं हमारे आरओडीसी की तरफ वो पर्टिकुलर रोल इंस्टॉल अभी भी हो रहा है, ओके, सो वी विल वेट। सेकंड, हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि ये जो हमारा MUM PC, माफ कीजिए, MUM User 03 जो है ना, ये वहाँ पे काम करने वाला टीम लीडर है, जिसके अंदर सभी कंप्यूटर्स काम कर रहे हैं या सभी एम्प्लॉयज रिपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर यूजर को उस ROTC का एक्सेस मिले, ओके? तो मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर यूजर को ये रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर का मेंबर बनाना पड़ेगा, या फिर उसे हम डायरेक्टली रिमोट साइट पे एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं इसे किस तरह का एक्सेस नहीं देने वाला हूँ राइट नाउ। हम आ गए अपने ROTC मशीन की तरफ जो अब तक बनी नहीं है। फिलहाल यहाँ पे प्रोमोट दिस सर्वर टू द डोमेन कंट्रोलर, यहाँ पे आपको टिक करना है, ओके। और जैसे मैं यहाँ पे टिक करूँ, मेरे सामने एक विजार्ड आ चुका है। ये सेम विजार्ड है जो हमने पिछले वीडियो में यूज किया था एज एन बैकअप डोमेन कंट्रोल बनाने के लिए। मुझे यहाँ पे ना ही न्यू फॉरेस्ट बनाना है, ना ही किसी तरह का एक एग्जिस्टिंग ट्री बनाना है, चाइल्ड बनाना है। मुझे यहाँ पे क्लियर कट क्या करना है, एग्जिस्टिंग डोमेन के अंदर ही मेरा दूसरा डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है, ओके। फिलहाल यहाँ पे देखिए, क्रेडेंशियल्स जो लिए है वो है ROTC एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब लोकल अकाउंट क्रेडेंशियल्स। मुझे यहाँ पे डोमेन एडमिन क्रेडेंशियल्स चाहिए, तो मैंने यहाँ पे चेंज पे क्लिक किया। जो भी मेरा डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसका पासवर्ड मुझे यहाँ पे देना है, और जैसे मेरे क्रेडेंशियल सक्सेसफुली अप्लाई हो गए, क्लिक टू द नेक्स्ट, ओके। फिलहाल वो इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहा है, और ये रहा आपका पैनल। इफ यू रिमेम्बर, लास्ट टाइम पे हमने यहाँ पे डोमेन DNS सर्वर ग्लोबल कैटलॉग इन पोर्शन को बाय डिफॉल्ट टिक ही रखा था, और ROTC के पैनल पे हमने कुछ भी नहीं किया। अब हमें यहाँ पे ही चेंजेस करने हैं, ओके। तो जैसे ये इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर ले, आई हैव टू क्लिक ROTC। एडिशनली आप चाहते हो कि उसके पास DNS की इंफॉर्मेशन रहे, तो ये भी आप टिक कर सकते हो। ग्लोबल कैटलॉग की इंफॉर्मेशन रहे, तो वो भी आप रख सकते हो। अगर यहाँ पे आपने टिक किया DNS, मतलब डोमेन नेमिंग सिस्टम, तो क्या होगा, ROTC पे जो DNS बनने वाला है वो सिर्फ रीड ओनली बनेगा। ग्लोबल कैटलॉग रखा तो वो सिर्फ रीड ओनली बनेगा। रीड ओनली का क्लियर कट मतलब होता है कि वो इंफॉर्मेशन सिर्फ पढ़ पाएगा, उसके ऊपर डायरेक्टली किसी तरह की इंफॉर्मेशन अपडेट नहीं होगी या लिखी नहीं जाएगी। जो कुछ भी रिप्लिकेट करना है, जो कुछ भी लिखना है, वो आपका प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर या बैकअप डोमेन कंट्रोलर कर पाएगा, ओके। सेम वे यहाँ पे हमें डिजास्टर रिकवरी मोड पासवर्ड रखना है, आपके केस में ये कुछ भी हो सकता है।
फिलहाल मैंने अपना रिस्पेक्टिव पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर दिया है। देन क्लिक टू द नेक्स्ट, जस्ट आरओडीसी पे क्लिक किया, ये मेरा बन चुका है। नाउ अब यहाँ पे देखिए डेलीगेशंस और अलाउ दैट ऑथेंटिकेट अकाउंट दैट अलाउ टू रिप्लीकेट पासवर्ड आरओडीसी। ऑलरेडी हमारे अलाउ आरओडीसी पासवर्ड रिप्लीकेशन ग्रुप के अंदर हमने कुछ यूजर्स डाल के रखे हुए हैं, ओके तो एडिशनली मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको मैनुअली करना रहा तो ऐड पे जाइए, और ऐड पे जाने के बाद सेम एडवांस फाइन नाउ, कौन से ग्रुप के मेंबर्स को यहाँ पे आप रिप्लीकेट करवाना चाहते हो उस पर्टिकुलर ग्रुप को यहाँ पे आप सिलेक्ट करके रख सकते हो। क्लियर? देन अकाउंट दैट आर डिनाइड टू रिप्लीकेट पासवर्ड टू द आरओडीसी, यहाँ पे देखिए इस डिनाई वाले पोर्शन पे हमारा जो बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटर है उसका पासवर्ड रिप्लीकेट नहीं होगा, सर्वो ऑपरेटर का पासवर्ड रिप्लीकेट नहीं होगा, बैकअप ऑपरेटर का पासवर्ड भी यहाँ पे रिप्लीकेट नहीं होगा। तो ये डिनाई पोर्शन पे वो अकाउंट से या वो ग्रुप से जिनके पासवर्ड आरओडीसी पे रिप्लीकेट नहीं होंगे, जबकि अलाव के केस में वो ग्रुप है जिसके पासवर्ड आरओडीसी पे रिप्लीकेट होगी। आपके सिचुएशन के हिसाब से आप इनके बीच में इंटरचेंज कर सकते हो एज यू विश। नाउ नेक्स्ट डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मुझे यहाँ पे एक ऐसा यूजर चाहिए जो उस पर्टिकुलर मशीन को शट डाउन या रिस्टार्ट कर सके, तो फिलहाल यहाँ पे किसी भी तरह का अकाउंट हमने दिया नहीं है। सेलेक्ट एडवांस फाइन नाउ, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मेरा MEM यूजर 03 है वो पर्टिकुलर यूजर उन मशीन के ऊपर क्या करे, डेलीगेशन ले पाए, मतलब मशीन को रिस्टार्ट कर पाए और शट डाउन कर पाए इफ नीडेड। देन क्लिक टू द नेक्स्ट। अब सेम वो पूछा था कि आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से रिप्लीकेट करनी है। अगर मैं यहाँ पे एनी डोमेन कंट्रोलर की जगह पे ठीक करता हूँ तो फिर मेरे पास फिलहाल दो डोमेन कंट्रोलर्स अवेलेबल है, ओके प्राइमरी वाला या बैकअप वाला, या फिर एनी पे रखने के बाद वो अपने आप एडजस्ट कर लेगा। और ये लास्ट टाइम पे उन्होंने कहा था इंस्टॉल फॉर मीडिया, अगर आपका सर्वर किसी और जगह पे काफ़ी दूर है और डेटाबेस काफ़ी लंबा है बड़ा है, तो आप क्या करोगे डीवीडी के अंदर उसे कॉपी करोगे, शिपिंग करके बाद यहाँ पे आप उसे इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया करके यूज़ कर सकते हो। फिर हमारे केस में एनी डोमेन कंट्रोलर सिलेक्टेड, क्लिक नेक्स्ट, सेम NTDS सिसवॉल, फाइनली स्टेटस कि आपने यहाँ पे क्या किया है, अगर आपकी व्यू स्क्रिप्ट देखनी है देख सकते हो, और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को फ्यूचर के लिए आप सेव करके रखिए। फिलहाल मैं इसे रखने वाला हूँ अपने डेस्कटॉप की तरफ, RODC, ओके ताकि अगर मुझे कमांड लाइन के थ्रू करना रहा तो ये रही उसकी कमांड लेट्स। क्लिक टू द नेक्स्ट। अब ये प्री रिक्विजिट चेक करेगा, इस बीच में आपको पता चलेगा कि ये मशीन डोमेन कंट्रोलर की बनने के लिए यहाँ पे RODC बनने के लिए कैपेबल है क्या नहीं। तो फिलहाल ऑल चेक सक्सेसफुली पास हो चुका है, ग्रीन चेक बॉक्स आ चुका, क्लिक इंस्टॉल। और जैसे आपको पता है कि ये प्रोसेस थोड़ा टाइम लेती है, ओके और इस बीच में आपका कंप्यूटर मे बी रिस्टार्ट हो जाएगा, मे बी क्या रिस्टार्ट ही होने वाला है। तो जब तक ये प्रोसीजर कंप्लीट हो रही है तब तक मैं इस वीडियो को पॉज करके रखने वाला हूँ। तो ये अभी पूछ रहा है अबाउट टू साइन आउट, तो हमारी ये मशीन रिबूट हो चुकी है। अब यहाँ पे मुझे ऑर्डर पे क्लिक करना है, ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद जिस पर्टिकुलर यूजर को मैंने यहाँ पे लॉगिन करने की और मैनेज करने की परमिशन दी थी उसका अकाउंट यहाँ पे मुझे एंटर करना है। तो उसका अकाउंट था MVM यूजर 03, ओके चाहे तो आप उसे न्यू स्टाइल लॉगिन भी यूज़ कर सकते हो, इट्स नॉट नेसेसरी बिकॉज वो ऑलरेडी क्रिप्टन डॉट लोकल के अंदर ही ज्वाइन है, और उसका पासवर्ड हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। ओ सॉरी पासवर्ड इज इनकरेक्टेड, वेलकम। अब ये पर्टिकुलर यूजर लॉग इन कर पा रहा है, हालांकि हमारे ये नॉर्मल यूजर है, लेकिन इस यूजर को हमने इस मशीन के ऊपर लॉग इन करने की परमिशन दी थी, मतलब ये बंदा इसे लॉग इन कर पाएगा, इसे रिस्टार्ट कर पाएगा, शट डाउन कर पाएगा।
इवन हो सकता है कि आपके एक्टिविटी यूजर्स एंड कंप्यूटर को वो देख भी ले, ऑब्जेक्ट को स्कैन भी करे, लेकिन उसके अंदर चेंजेस नहीं कर पाएगा। और इफ़ यू रिमेंबर, हमने इस पर्टिकुलर यूज़र का प्रोफाइल रोमिंग रखा था, उसके वजह से ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ चुकी है। ओके, फिलहाल इस सॉफ्टवेयर को मैं अगर अपडेट कर दूँ या फिर इसे डबल क्लिक करके ऑन करूँ, तो अब ये बताएगा इस मशीन की जानकारी। तो ये MUM SIV 0T RODC, क्लियर। तो चलिए हम यहाँ पे जाएंगे हमारे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेस। तो यहाँ पे कहीं पे भी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेस नज़र नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल यूज़र अकाउंट था। ओके, सिर्फ ये क्या कर पाएगा, इस मशीन को राइट क्लिक करके शट डाउन या रिस्टार्ट। ओके, फिलहाल ये ऑटो लॉन्च तो हो चुका है, वेरी गुड। इसे हम राइट क्लिक करके टास्क बार पे पिन करके रखेंगे फॉर फर्दर यूज़। ओके, क्लिक टू द लोकल सर्वर, यहाँ पे उसकी जानकारी बता रहा है। देन टूल्स के अंदर गए, यहाँ पे हमें जाना है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर। ओके, अब मान लो ये पर्टिकुलर बंदा जिसको हमने यहाँ पे ऑथेंटिकेट करवाया है, वो एक्टिव डायरेक्टरी टूल्स के अंदर जाने के बाद यूजर्स एंड कंप्यूटर पे आकर अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करे, मान लो उसने एक ऑब्जेक्ट एडिट करने की कोशिश की, तो यहाँ पे हम न्यू यूज़र बनाने की कोशिश करेंगे, डेमो यूज़र 01, उसका पासवर्ड और नाम हम यही रखेंगे, क्लिक नेक्स्ट, पासवर्ड नेवर चेंज, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। एंड क्लिक टू द नेक्स्ट, फाइनल स्टेटस और फिनिश। ओके, इस मैसेज को आप गौर से देखिए, विंडोज कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट डेमो 01 बिकॉज एक्सेस डिनाई। क्यों भाई, ये तो डोमेन कंट्रोल पे लॉगिन तो हो चुका है लेकिन क्यों नहीं कर पा रहा है? जस्ट बिकॉज उसे हमने परमिशन क्या दी भाई, तू रीड कर सकता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूजर के ऑब्जेक्ट देख पाएगा, कौन से कंप्यूटर से उनका स्टेटस देख पाएगा। ओके, अगर मान लो उसे कोई यूज़र ऐसा मिलता है जिसका अकाउंट डिसेबल है, जैसे कि हमारे केस में MUM 04 का है, तो वो आपके मेन डोमेन कंट्रोलर को कांटेक्ट करेगा और वहाँ से उसका अकाउंट रीसेट किया जाएगा। क्लियर। सो नेक्स्ट, अगर हम इसके DNS के तरफ जाए, तो देखिए हमने यहाँ पे भी DNS की एंट्री मार के रखी थी और DNS भी हमने RODC बनाया था, रीड ओनली DNS। अगर यहाँ पे आने के बाद हम अपने फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाए, क्रिप्टन डॉट लोकल, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करें, सो राइट क्लिक, न्यू, मुझे न्यू रिकॉर्ड बनाने की परमिशन नहीं दे रहा है, ये सभी के सभी ग्रे आउट है, मतलब हमारा RODC फुल्ली फंक्शन काम कर रहा है। क्लियर। अब मान लो हमने जिस यूजर को अपॉइंट किया है वो बंदा इतना ही कर पाए कि शट डाउन कर रहा है, रिस्टार्ट कर पाए, उससे ये ग्राफिकल एक्सेस मिलना ही देना है, या यूँ कहो हमारे उस लोकेशन पे डिप्लॉय की हुई मशीन के अंदर हमें कम से कम फुटप्रिंट रखनी है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको ग्राफिकल शेल्स को रिमूव करना है। सो रिमूव रोल्स एंड फीचर पे आप गए जाएंगे, देन क्लिक टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे हमें रिमूव करना है फीचर। ओके, इससे रिलेटेड हमने प्रैक्टिकल पिछले कुछ वीडियो में देखा ही था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे यूजर इंटरफेस पे आऊँ और यहाँ पे सर्वर ग्राफिकल शेल हटा दूँ तो मेरी मशीन मिनिमल पे चली जाएगी, अगर मैं पहले वाला शेल भी हटा दूँ तो मेरी मशीन पूरी तरह से कमांड लाइन पे चली जाएगी। ओके, तो आपको किस तरह का उस मशीन को रखना है, मिनिमल रखना है या फुल कमांड लाइन रखना है, आप चूज कर लीजिए। एंड देन क्लिक टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड रिमूव। क्लियर। अब इस प्रोसेस को मैं कंप्लीट नहीं करने वाला बिकॉज ये फिर से उतना टाइम लेने वाली है। ओके, बट दिस इज द वे यू कैन मिनिमाइज फुटप्रिंट ओवर देयर। क्लियर, ताकि अटैकिंग सरफेस कम से कम रहे। क्लियर। अब नेक्स्ट जो टॉपिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मे बी आपके एडमिनिस्ट्रेटर लाइफ को थोड़ा इजी कर लेगा।
अब वो कैसे? इसे दिखाने के लिए मुझे सबसे पहले अपने प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर पे आना पड़ेगा, या फिर ऐसी मशीन जहाँ पे डोमेन कंट्रोलर का रोल इंस्टॉल है, चाहे वो आपका प्राइमरी हो या फिर बैकअप, डजेंट मैटर। क्लियर? अगर मैं अपने डैशबोर्ड पे आता हूँ, तो फिलहाल के लिए देखिए, ये जो मेरी मशीन है, इस मशीन पे कुल मिला के 4 रोल इंस्टॉल है। कौन से? DNS, LDS और हाइपरवी, और चौथा रोल है आपके फाइल स्टोरेज का। इसके पास फिलहाल सिर्फ एक ही ग्रुप है जिसके अंदर वो खुद है, टोटल सर्वर एक ही है। मुझे यहाँ पे सर्वर्स का ग्रुप बनाना है। ओके, अब वो कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे मैनेज पे जाना है, एड अ सर्वर और क्रिएट सर्वर ग्रुप, यहाँ पे टिक कीजिए, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हो। क्लियर? तो फिलहाल मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट सर्वर ग्रुप्स, देन आपको ग्रुप का नाम क्या रखना है। सो यहाँ पे लिखेंगे माय ऑल डीसीस। ओके, देन एक्टिव डायरेक्टरी पे जाना है आपको, फाइंड जितने भी आपके मशीन्स अवेलेबल होंगे सर्वर या क्लाइंट, उनकी यहाँ पे लिस्ट नजर आएगी। ओके, तो आपको किन किन को इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर डालना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए, एंड ओके। तो अब देखिए, मेरे पास कुल मिला के टोटल 3 सर्वर आ चुके हैं, और जो मैंने सर्वर ग्रुप बनाया ना, वो नीचे की तरफ है। अब इससे फायदा क्या होगा? फिलहाल ये प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, इसे होने देंगे। ओके, नाउ अब इससे फायदा क्या होगा? नेक्स्ट टाइम पे अगर आप कोई रोल ऐड या फीचर रिमूव करने जाए, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब देखिए, शुरू के केस में हमारे सिर्फ पास एक ही ऑप्शन आ रहा था। अब यहाँ पे देखो, जितने भी मैंने ग्रुप के अंदर ऐड किए, उनकी लिस्ट यहाँ पे नजर आ रही है। मतलब कि अगर मान लो मुझे ये जो मेरा ROTC है 03, उसके रोल्स यहाँ पे बैठे बैठे रिमूव करने हैं या फिर ऐड करने हैं, मुझे सिर्फ यहाँ पे आना है क्लिक टू द नेक्स्ट, तो फिर वो मशीन कॉन्टेक्ट करेगी ROTC 03 को, और वहाँ पे मैं उसके रोल ऐड या रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैं प्रीवियस पे जाऊँ, मान लो मुझे बैकअप डोमेन कंट्रोलर के रिमूव करने हैं, तो सिलेक्ट कीजिए बैकअप डोमेन कंट्रोलर को, उसने कनेक्ट कर लिया, क्लिक नेक्स्ट, और आपको क्या करना है, ऐड करना है, रिमूव करना है, आप यहाँ पे बैठे बैठे मैनेज कर सकते हो। नॉट इवन दैट, आप उसे शट डाउन भी कर सकते हो। क्लियर? सो आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे हमने ROTC को डिप्लॉय किया। अगेन टेक अ सिनारियो, हमने क्या किया, हमारे प्राइमरी लोकेशन पे जो कि हमारा मुंबई, वहाँ पे हमारा प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर और बैकअप डोमेन कंट्रोलर दोनों काम कर रहे थे। हमारी एक रिमोट साइट बनी जिसके ऊपर हमने एक ROTC इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे कुछ यूजर्स और कुछ कंप्यूटर लॉगिन होने वाले थे, और वो साइट थी हमारी अंधेरी लोकेशन। इस डोमेन कंट्रोलर को हमने फुल्ली रीड ओनली रखा है, मतलब यहाँ पे DNS भी रीड ओनली है और आर डोमेन कंट्रोलर भी रीड ओनली है। और इस मशीन को शट डाउन या रिस्टार्ट करने के लिए हमने एक स्पेसिफिक यूजर को डेलीगेशन दिए, हमारे केस में MVM User 03 है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका फैकल्टी गणेश सोनोने। आने वाले वीडियोस के लिए हम जरूर मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। टिल देन, बाय।